एपिसोड शुरू होते हम देखते हैं उन दोनों को उस मॉन्स्टर के सामने, मतलब उस शार्क के सामने। और इसे देखकर सन्या को कहता है ये मेरा सबसे खराब मैच है। और दोनों ही आमना सामने होते हैं। यहाँ पर मुश्किल होती है सन्या को की, क्योंकि वो हिल नहीं सकता, क्योंकि वो ज़्यादा तेज दौड़ नहीं सकती इस कीचड़ के अंदर। शार्क यहाँ पर एक छलांग लगाते हुए अंदर चला जाता है उस कीचड़ के अंदर। ईमेल शार्क को देखते हुए बहुत ही घबरा जाती है, क्योंकि वो लोग फंसे हुए हैं इस जगह के अंदर। और सीधा वो शार्क उन दोनों के सामने आ रहा है। सन्या को यहाँ पर जैसे तैसे करते हुए साइड मूव कर लेती है वो अपनी ताकत से, और अपने वेपन को निकाल लेती है। सन्या को ये देखते हुए बस यही सोचता है कि उसका भी कोई वीक पॉइंट होगा जिस जगह पर हमला करने से वो मारा जाएगी। और ऐसे ही वो शार्क उसके ऊपर हमला करती है। सन्या को यहाँ पर उस अटैक को रोक लेती है और एक जोरदार अटैक करता है। सन्या को यहाँ पर लगता है कि हाँ उसके ऊपर वो वार कर रहा है। और यहाँ पर सन्या को उस दो मूव को कर नहीं पाएगा, क्योंकि 10 सेकेंड का गैप आ चुका है इसीलिए, जो कि हर एक गेम के अंदर होता है। और ऐसे में बस वो यही सोचता है कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि वो शार्क सामने से आ रहा है। और फिर से वो शार्क उसके ऊपर एक जोरदार छलांग लगाता है और उसे खाने की तैयारी करता है। लेकिन ईमेल यहाँ पर अपनी चश्मा एक बुक निकाल दिया, उसी बुक से उस शार्क के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, मतलब मैजिक से। सन्या को ये देखते ही एकदम ही हैरान हो जाती है कि उसके पास मैजिक है और उसे मैजिक करना आता है। और सन्या को ये भूल गया था कि वो दोनों पार्टनर है, मतलब उन दोनों के पास और भी ज़्यादा ताकत है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बचा सकते हैं। इसीलिए सन्या के सामने वो शार्क पड़ा हुआ है, इसे मारने के लिए वो जल्दी करता है, लेकिन वो कीचड़ के अंदर है, मतलब कि हाँ उसे समय लगता है जाने के लिए उसके पास। इसलिए सन्या को फिर से गुस्सा करते है कि ये कीचड़ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन देरी हो गई, क्योंकि वो शार्क फिर से जाग गया। यहाँ पर शार्क उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। सन्या को यहाँ पर अपनी बहुत अच्छी स्किल से उसे मार देती है। सन्या को ये मूव उसके ऊपर बहुत भारी पड़ती है, इसलिए वो अपने एक और नए मूव से उस शार्क के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है और एकदम ही टॉप पर आ जाती है उसका शार्क है। सन्या को यह अपने ईमेल को कहती है कि ईमेल तुम अपना जोरदार वार करो इस शार्क के ऊपर अपनी मैजिक से। ईमेल यही करने की कोशिश करती है, लेकिन वो शार्क इतना हिलता है कि वो ठीक से कर नहीं पाती। और इसी चीज को देखते हुए सन्या को एक और वार करता है उसके ऊपर, और उसी वक्त ईमेल भी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर देती है, मतलब मैजिक का इस्तेमाल करती है। उस शार्क के ऊपर वार लगती है और वो शार्क गिर जाता है नीचे। और यहाँ पर एक और बुरी बात, सन्या की HP लेवल थोड़ा सा कम हो जाती है। ईमेल यहाँ पर बहुत ही रोती है, क्योंकि उसके कपड़े एकदम ही गंदे हो चुके हैं। सन्या को सामने देखती है कि वो मॉन्स्टर वहाँ पर नहीं है, मतलब वो शार्क वहाँ पर नहीं है। सन्या को यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये सब कुछ उस शार्क का काम है, क्योंकि वो उसका पैर एकदम ही नहीं हिल रहा और वो उसे नहीं निकल सकता। सन्या को यह समझ लेते हैं कि शार्क नीचे से आएगी, इसीलिए वो ईमेल को पकड़ती और दूर फेंक देती है, जिससे ईमेल बच जाए। और उसी वक्त वो शार्क सन्या के ऊपर हमला करती है, जिसके चलते सन्या को एकदम ऊपर चला जाता है। सन्या को यहाँ पर नीचे देखती है कि शार्क एकदम ही रेडी है फाइट करने के लिए, लेकिन सन्या की HP लेवल बहुत ही कम हो जाती है। यहाँ पर सबसे बुरी बात यह है कि सन्या के लिए, क्योंकि वो शार्क को पता है कि उसका HP लेवल एकदम ही कम है, इसीलिए उस शार्क ने उसे इतना ऊपर भेजा कि वहाँ से अगर वो नीचे गिर जाए तो भी सीधा वो मर ही जाएगी, मतलब उसका डेड हो जाएगा। और ये बात सन्या को समझ लेती है कि हाँ उसका मरने का समय आ चुका है। सन्या यह देखती है कि ईमेल भी उसके पास आ रही है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। ईमेल के पास ऑप्शन बस यही है कि वो अपनी मैजिक से उसके ऊपर वार करे, जिससे वो किसी दूर जगह गिरे, जिससे उसके HP थोड़ा सा कम हो, मतलब वो ना मरे। सन्या यह पूरी तरीके से हार मान लेती है कि हाँ अब उसे मरना है, इसलिए वो सब कुछ छोड़ देती है खुद के ऊपर। लेकिन उसी वक्त ईमेल अपनी एक मैजिक चीज़ निकालती है और उसी चीज़ से वो सन्या को छू लेती है गिरने से पहले ही, और मैजिक मतलब वो टेलीपोर्ट हो जाता है उस शार्क के सिर के ऊपर। वो शार्क भी देख के हैरान हो जाती है, वो दोनों तो और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो शार्क के ऊपर गिरने वाले हैं। और ये बहुत ही रिस्की है, क्योंकि उन दोनों में से कोई भी एक मर सकता है। और सीधा सन्या का सिर उसके ऊपर लगता है, और ये वार इतना ज़ोर से होता है कि उसके शार्क वो सहन नहीं कर पाती, वो मर जाती है वो शार्क। और ये बस सबसे बड़ी बात यह है कि सन्या की एक HP लेवल अब तक ठीक है, मतलब कि हाँ वो अभी जिंदा है और उसका लेवल भी बढ़ जाता है। सन्या को ईमेल की इतनी कुछ चीज देखते वो इतना हैरान हो जाती है कि वो ईमेल को कह देती है कि ईमेल तुम बहुत ही ज़्यादा शानदार हो।
तुम कमाल के हो। और बाद में इतने सनराकू और वो ईमेल वो दोनों एक जगह से जा रहे होते हैं। सनराकू यहाँ पर अपने एच पी लेवल को बढ़ाने के लिए कुछ खाती है जिसके चलते उसका एच पी लेवल बढ़ जाता है। सनराकू यहाँ पर ईमेल की तरफ दिखती है, सोचती है कि मैंने जैसा सोचा था तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। और इससे सनराकू को मोटिवेशन मिली कि हाँ वो उससे छोटी है लेकिन उससे ताकत में अच्छी है। सनराकू यहाँ पर चलते हुए बस यही सोचता है कि अगर मैं शहर पहुँच जाऊँगा तो फिर मैं तुम्हें कैसे छुपाऊँगा। इसे सुनते हुए ईमेल उसे कहती है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होगा, लेकिन ऐसे में अपने हाथ को उठाती है और देखते हैं कि उसके ऊपर एक वेजलेट है और ऐसे में उस वेजलेट की ताकत को यूज़ करती है और मैजिक वो एक लड़की के रूप में ट्रांसफर हो जाती है। वे सच कह रहा हो, ईमेल देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। सनराकू ईमेल को देखते हुए वो एकदम ही हक्का बक्का रह जाता है और बस ईमेल यहाँ पर कहती है सनराकू तुम मेरी बात सुन रहे हो, बहुत बार पुकारती है लेकिन सनराकू कुछ भी घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बस यही सोचता है क्या मुझे इसके साथ कुछ करना पड़ेगा इस गेम के अंदर। और उसी वक्त फिर से ईमेल अपने असली रूप में आ जाती है। ईमेल यहाँ पर सनराकू को बताते हैं कि उस सिटी के अंदर जाने के बाद मेरे पास बस समय रहेगा 5 मिनट, 5 या 4 मिनट तक वो ऐसे रूप में रह पाएगा। सनराकू ये सुनते हुए बस यही सोचता है खुद से कि ईमेल ने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे सामने ऐसा करके हुए। और कुछ बातें हैं जो कि बोली नहीं जा सकती, इसलिए वो एक स्टाइल बनाती है। ईमेल उस स्टाइल को देखते हुए एकदम ही हैरान हो जाती है और बाद में देखती है उस शहर को जिस शहर के बारे में सनराकू ने कहा था कि उस जगह पर उसे जाना है उन दोनों को। भाई वो शहर बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और उस शहर का नाम होता है थंड्रीमा। और ऐसे में फिर से वो दोनों निकल पड़ते उस शहर की तरफ और यहाँ पर सनराकू ईमेल को कहती है कि अपना रूप बदलो। और यहाँ पर वो दोनों होते उन लोगों के सामने, मतलब उस घाट के सामने जहाँ पर उन लोगों की तलाशी ली जा रही कि ये दोनों कौन है। तलाशी इसलिए ले रही है क्योंकि सनराकू यहाँ पर हाफ नंगा है, इसलिए ईमेल यहाँ पर अपनी सुंदरता का फ़ायदा उठाते हुए उन गार्ड से सनराकू की एक झूठी स्टोरी उसे बताना शुरू कर देती है जिसको जिसको सुनते हुए सनराकू हैरान हो जाती है। यही कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और वो अपने बदला लेना चाहता है इसलिए एक राक्षस से लड़ाई की जिससे उसके ऊपर एक श्राप गया। सनराकू का दिमाग खराब हो जाता है इस कहानी को सुनते हुए, लेकिन उसके आसपास जितने भी लोग होते उसी कहानी को यकीन कर लेते हैं कि हाँ उसके ऊपर एक श्राप है, उस वही जो उसके शरीर के ऊपर वो मार्क है, मतलब वो निशान। और ईमेल यहाँ पर ज़ोर से कहती है यही वो लड़का है जो सनराकू है। और यहाँ पर ईमेल इस सब काम को देखते हुए सनराकू का दिमाग और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लेकिन सनराकू ये नोटिस करती है कि उसके बारे में बहुत लोग बातें कर रहे हैं। यहाँ पर वो दोनों आगे जा रहे होते हैं लेकिन पीछे से एक लड़की सनराकू के हाथ को पकड़ लेती है। लड़की कहती है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम सनराकू हो। इस बात को देखते हुए सनराकू एकदम हैरान हो जाती है। सनराकू बस यही कहता है लेकिन तुम कौन हो। और हमें उस सीन को दिखाया था जहाँ पर सनराकू ईमेल को लेकर भाग रही थी और एक लड़की ने उसका फोटो खींच लिया था और वो लड़की इस फोटो को उस जगह पर छोड़ देती जहाँ पर सभी इस चीज़ को देख सकते हैं और ऐसे में उस पोस्ट को वहाँ पर अपलोड कर देती है और ये पोस्ट सभी लोग देख लेते हैं और वो बस यही सोचता है कि ये पक्षी बात कर सकता है। और ये लड़की भी इस चीज़ को देख लेती है कि हाँ वो दोनों एक साथ है, एक खरगोश और एक पक्षी जो कि इंसान की तरह लगता है देखने में। और वो पोस्ट इतना वायरल हो जाता है कि सभी इस पोस्ट को देख सकते हैं और ऐसे में वो लड़की उसको फॉलो करना शुरू कर देती है सनराकू की और बहुत लोग इस बारे में बातें करते हैं। यही कि उसके स्किन के ऊपर वो निशान किस बात का निशान है या फिर कोई वो टैटू है और ज़्यादा लोगों को ये पता चल जाता है कि वो निशान मिला है उस अनोखे मॉन्स्टर से, मतलब वो नाइट। और ज़्यादा लोगों को ये पता चल जाता है कि उसका सामना लाइगोन से हुआ है और ज़्यादा लोग तो उसे अपने टीम के अंदर लेना चाहते हैं। और हमें यहाँ पर एक लड़की को दिखाया था जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, शायद वो बाद में उसका रोल होगा। सिंपल भाषा में हम सब का सनराकू बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है उस निशान के चलते, जैसा कि गेम का रूल था। और यहाँ पर वो लड़की बस यही चाहती है कि वो भोरपाल बनी को कैसे वश में करे। वो लड़की ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसने देखा था इसके पास एक बनी थी। और यहाँ पर ईमेल बहुत ज़्यादा डर जाती है इसलिए वो सनराकू के पीछे छुप जाती है। सनराकू ये बस यही सोचता है कि अब वो क्या करेगा। सनराकू को ये पता है कि उन्हीं सीनियरों के बारे में किसी को भी नहीं पता, लेकिन इस लड़की को कैसे पता है कि ऐसा भी कोई बनी है। और उसी वक्त पीछे से वो लड़की आती है, उसे दोनों को अलग कर देती है।
सन्या को नीचे आती है, अपनी वेपन को निकालती है और कहती है, तुमने अपना चेहरा दिखा दिया है विंसन नाइट। लड़की कहती है, मुझे इस नाम से मत पुकारो, मेरा नाम आर्थर पिल्सल गॉड है। सन्या को उसके लेवल को देखती है और उस रेड स्केलेटन को भी। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है।